हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स चार्ट मास्टर ग्रुप। तो आज के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है, इसको अभी चेक कर लेंगे क्या हो सकता है मार्केट में। इससे पहले मैं बता दूं, कल का हमारा जो प्रेडिक्शन था उसके हिसाब से मार्केट ने मूव दिया, और इसके हिसाब से आपको जो भी कॉल दिया गया था वो भी जैकपॉट बन गया। मतलब लगभग 200-300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला, और आपका निफ्टी में लगभग 150-170 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिला। जो कॉल, दो ही कॉल दिया गया था, दोनों कॉल आपको जैकपॉट रिटर्न दिया है। तो आज के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस रहेगा, तो इसमें सोचने वाला कुछ बात नहीं है। यहाँ पे तीन लेवल आप मार्क करके रखिए। एक है 15,200 का लेवल, अगेन 15,640 का लेवल, और दूसरा जो लेवल है 15,864 का लेवल। तो ये तीन लेवल आज के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसका रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी जो ग्लोबल मार्केट का कंडीशन है, काल का जो कंडीशन था, मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। लगभग मार्केट 800 प्लस पॉइंट डाउ जोन में मूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन ऊपर का लेवल में जैसे इंडियन मार्केट में काल हुआ, उसी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, और लगभग 150-200 पॉइंट का फॉल है। मतलब फिर भी मार्केट प्लस 500 में क्लोजिंग दिया है, और नेक्स्ट डे भी ग्रीन में क्लोजिंग है। लेकिन एक थिंकिंग करने वाला बात क्या है कि आज सुबह सुबह यूएस फ्यूचर फिर से 100 पॉइंट डाउन चल रहा है, ठीक है। तो इसके चलते हमारा इंडियन मार्केट में भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। तो SGX निफ्टी अगर कॉल देखेंगे, वो मूवमेंट जो हुआ था 15,740 तक SGX निफ्टी में भी मूवमेंट हुआ था। अभी जो फिलहाल क्लोजिंग हुआ है वो 15,710 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो मैं 6:30 पहले वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अभी मंडे का मूवमेंट मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको। तो ऐसा लगता है जैसे कि मार्केट में 20-30 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। बड़ा गैप अप आपको देखने को नहीं मिल सकता है, मुझे लग रहा है। तो अगर मार्केट 15,685 का लेवल को सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो आपको फिर से एक रैली देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 15,865। मतलब यहाँ पे आपको 150-180 पॉइंट का एक रैली देखने को मिल सकता है। एंड ये वाला लेवल अगर टूट जाता है 15,860 का लेवल जो है, तो आपको और भी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट में। ये कुछ बड़ा बात नहीं है, लगभग ये जो गैप है ये भी फिल हो सकता है, ठीक है, 16,200 का लेवल। लेकिन अगर मार्केट 15,680 का लेवल से रिजेक्शन मार्केट को मिलता है, तो और ये वाला जो लो है, कल का जो लो बना था मार्केट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो लो वाला था 15,625 का जो लो है, इसको अगर मार्केट तोड़ देता है आज, तो फिर से आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सा ट्रेड है, अगर 15,680 का जो लेवल है इसको होल्ड करेगा, आपको सी के लिए जाना है। अगर 15,680 को छोड़िए, थोड़ा आपको वेट करना है। 15,625 जो है आपका जो कल का लो है, इसको अगर ब्रेक कर लेता है तो आपको यहाँ पे पी के लिए सिंपल से जाना है। तो ये था आज का ट्रेडिंग सेशन। इसमें कुछ ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ नहीं है जो जिसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। सिंपल सा यही दो चीज़ को फॉलो करके चलिए, आप यहाँ पे आज अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, और अगर हमारा जो कुछ सेटअप के हिसाब से अगर अच्छा कॉल मिल जाता है, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द कॉल, एंड आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आप हमारा ग्रुप में जुड़े रहिए, टेलीग्राम में जुड़ के रहिए, तो आपको डेली बेसिस में बहुत सारा लर्निंग वीडियो मिल जाएगा, सॉरी लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम में अपडेट किया जाता है। इसके साथ साथ आपको बहुत ही अच्छा सा श्योर शॉट कॉल भी मिल जाएगा, जिसमें आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।